अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज या कल इंशाल्लाह ताला ईद का चांद नज़र आ जाएगा और मैं ईद के चांद के बारे में आपको वजीफ़ा बताऊंगी जिससे आपकी हर दुआ कबूल होगी और हर मुराद पूरी होगी। ये वजीफ़ा पढ़ने के बाद जिन लोगों के पास घर नहीं है, जिनके पास औलाद नहीं है, अल्लाह ताला वो आपको देगा इंशाल्लाह ताला। जैसे कि जिसकी औलाद नहीं हुई, अल्लाह ताला उसको औलाद देगा, नेक और अच्छी औलाद दे। जिहड़ी बेटियां की शादी नहीं हो रही, अल्लाह ताला उन्हां नूं रिश्ते अच्छे देवे। जिन्हां दे कोल घर नहीं हैगा, अपना किराए ते रोलदे ने, अल्लाह ताला उनको अपना घर देगा। और जिहड़े परेशान ने, बीमार ने, अल्लाह ताला उन्हां दीआं बीमारियां दूर करेगा। और जिन्हां कोल रिज़क नहीं हैगा, अल्लाह ताला बच्चियां वास्ते रिज़क खुला देगा इंशाअल्लाह ताला। और मैं भी यही वजीफा पढ़ के आपके लिए, अपने बच्चों के लिए दुआ करूँगी कि आप सबको अल्लाह ताला सब कुछ जो आपकी मुरादें वो पूरी हो जाएं। इस वजीफे के बारे में मैं एक हज़रत अली का वाकया भी सुनाती हूँ। ईद के दिनों के करीब एक शख्स हज़रत अली के पास आया और कहा कि मेरी कोई भी दुआ कभी कबूल नहीं हुई। हज़रत अली ने कहा कि ईद का चांद जब नज़र आए तो सूरत फातिहा पढ़कर जो भी दुआ करो, अल्लाह ताला उसको रद्द नहीं करे, हर दुआ कबूल होगी, हर ख्वाहिश पूरी होगी। उस शख्स ने कहा, अगर मुझे ईद का चांद नज़र ना आए तो मैं क्या करूं? हज़रत अली ने फरमाया कि ईद के चांद निकलने की खबर सुनकर सूरत फातिहा पढ़ना और जो भी दुआ करोगे, अल्लाह ताला उसको कबूल फरमाएंगे। क्योंकि हजूर पाक भी ईद का चांद निकलने के बाद सूरत फातिहा पढ़कर दुआ करते थे। सब लोगों को यही कहते थे, ईद का चांद देखकर सूरत फातिहा पढ़ो और दुआ करो। इसलिए आज या कल ईद का चांद नज़र आए तो आपने ये सूरत फातिहा ज़रूर पढ़नी और दुआ करनी। जो भी दुआ करेंगे इंशाल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से पूरी होगी। और मैं भी यही पढ़ूंगी, वजीफ़ा पढ़ के आपके लिए भी दुआ करूंगी, अपने बच्चों के लिए भी दुआ करूंगी। पहले आप सबके लिए दुआ करूंगी, फिर मैं अपने बच्चों के लिए दुआ करूंगी। और मेरी तरफ से आप सबको एडवांस ईद का चांद मुबारक। मेरी दुआएं आपके साथ हैं और हमेशा रहेंगी। और ख़ास करके मैंने आप सबको ये भी बताना था, ईद के चांद निकलने के बाद जो 10 दिन हैं, आप सब ने बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला का जिक्र करना है। तुहाड़ी भी खैर होए, तुहाड़े भैन भाइयों की, माँ बाप की, वाह बच्चों की, सब की खैर हो, फसल होवे करम हो। मेरे मुहल्लेदारां की खैर होवे, फसल होवे करम हो। मेरे भैन भाइयों की, उन्होंने बच्चों की, सब की अल्लाह ताला फसल से करम करे और हर ईद खुशियाँ लैके आवे। सब की अल्लाह ताला जिंदगी तंदुरुस्ती रखे, सब के घर खैर बरकत रखे, खुशियाँ देवे। जिन्हें जिन्होंने कुरबानियाँ देनियाँ, अल्लाह ताला कबूल तो मंजूर करे। और कमाने वालों की खैर हो, कुरबानियाँ देने वालों की खैर हो, और कुरबानी खाने वालों की भी खैर हो। सब की खैर होवे, फजल होवे, करम होवे। प्यारे बच्चों, मेरी तरफ से बहुत बहुत सारी दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।